नमस्ते दोस्तों, कैम छो मजा मा। मैं संजय, न्यूटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने गार्डन की अपडेट देने जा रहा हूं, गार्डन ओवरव्यू। तो मेरे गार्डन में खिले हुए फ्लावर्स आपको दिखाऊंगा और कौन कौन से विंटर प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं और मेरे परमानेंट प्लांट है वो कैसे चल रहे हैं वो सब आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो मेरे पास गुलदावरी के 3 पौधे हैं जो मैं नर्सरी से लेके आया था और देख सकते हो आप इसमें फ्लावर की साइज़ और कलर कितने बढ़िया है। तो ये प्लास्टिक पॉट में मैंने लगा के रखा है, एक यहाँ पे है, ये दूसरा कलर, ये देखिए थोड़ा डिफरेंट है उससे, ये मैरून कलर है इस तरह का, और तीसरा है ये ब्राउन। तो इन सब की थोड़ी जगह मैंने चेंज कर दी है, थोड़ा सा मैंने इन सबको शेड में रखा है, मतलब कि यहाँ धूप आती है 2-3 घंटे के उसके बाद छांव आ जाती है। यहाँ पे विनका है तो इनकी ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, और पीछे की तरफ मेरा बरगद पड़ा है, तो जहाँ बरगद पड़ा है वहीं देखिए ये बॉन्साई बना रहा हूँ मैं, और यहाँ है एडेनियम की चोटी, और ये है केना लिली, और ये मेरा चंपा का प्लांट है। इनमें भी देखिए अब धीरे धीरे फ्लावरिंग ख़त्म होने आई है, कुछ एक दो फ्लावर खिलते रहते हैं। और इस तरफ मेरा बोगनवेलिया है, वो भी डोरमेंसी में जा रहा है, और यहाँ चंपा कनेर सब मैंने बड़ी बड़ी जो बकेट आती है उनमें लगा के रखे हैं। यहाँ पे ये गजानिया है, इनमें फ्लावर अभी खिले नहीं क्योंकि मॉर्निंग का 7:30 बजे का टाइम है, तो इस टाइम में थोड़ी थोड़ी धूप निकले कि तब ये फ्लावर खिलते हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर इसमें निकल के आया है। इधर एलोवेरा है और एलोवेरा में भी फ्लावर देखिए ये आया था, पीछे की तरफ ये दिख रहा है आपको फ्लावर का गुच्छा, ये देखिए। तो ये है हमारा पत्थर चट्टा जो बड़ी पत्तियों वाला आता है वो। यहाँ पे ये विनका है, ये मैक्सिकन पिटोनिया, और यहाँ मैंने देखी ये इसकी प्रूनिंग कर दी थी, ये एक्सोरा है हमारा, तो देखिए इनमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये हिबिस्कस, इनमें भी देखिए कितने ज़्यादा फूल खिले हुए हैं पूरे, मतलब एक भी ब्रांच ऐसी बाकी नहीं है कि जिनपे कलियाँ ना बनी हो। तो इस टाइम आप इनमें गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये सब मैंने खाली कर दिया है, देखिए ये तुलसी जी का पौधा है, और यहाँ कॉप्सकॉम लगा हुआ है, मुर्गा फ्लावर जिसे मुर्गा कलंकी भी बोलते हैं, तो इसको भी मैं हटा दूँगा। अब 2-3 दिन में इसके सीड कलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए यहाँ और लामेंटर ऑरेंज है, चाइनीज नींबू भी बोलते हैं इसको, और इधर सारे एडेनियम पड़े हैं। ये देखिए मेरे क्राफ्टिंग वाले में फ्लावर खिला है आज, ये छोटा सा पौधा है, और ये देखिए इसको मैंने कट किया था, इन सब में कलियां बनी है, ये देखिए कलियां, और इधर सारे एडेनियम है। ये एक नया फ्लावर खिला है, इसकी मैंने पूरा प्लांट ग्राफ्ट किया था, पर एक जो ग्राफ्टिंग थी उन पे इस तरह के फूल आए और एक ग्राफ्टिंग के इस तरह से, तो इसको भी मैं फरवरी में ये वाली ग्राफ्टिंग कर दूंगा। यहाँ पे बाकी सारे एडेनियम हैं जो कुछ फ्लावरिंग कर रहे हैं, कुछ में कलियाँ बन रही है। यहाँ ये देखिए इसमें ये कलियाँ बनी, ये बड़ा सा वाइट कलर का फ्लावर आता है जो मैं उषा आंटी के वहाँ से लेके आया था, वो वाली है। यहाँ पे मेरे सीडलिंग है जो एडेनियम की, इन सबको रिपोर्ट करना है, पर फिलहाल बहुत ज़्यादा कोहरा गिर रहा है तो इसी वजह से अभी मैं नहीं करूँगा, बस जैसे उत्तरायण जाएगी 14 जनवरी उसके बाद मैं देखूँगा, अच्छा मौसम लगा तो मैं कर दूँगा। यहाँ पे हमारा हिबिस्कस है, अगेव, और यहाँ पे कनेर है, और एक टमाटर का पौधा मेरे गमले में निकल के आया था तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया है देखिए, और यहाँ इनमें। तो ये सब मैंने जो शिफ्ट किए थे 9 प्लांट रिपोर्ट किए थे वो सब चल रहे अच्छे हैं। ये देखिए इसमें भी बहुत प्यारा सा कलर खिला हुआ है, और इधर सारे एडेनियम रखे हुए हैं मेरे सब सारे, ये देखिए पर्पल वाले में इतने ज़्यादा फूल आते हैं कि पूरा मतलब इसकी ब्रांच ही गिर झुक जाती है, बहुत ही प्यारा सा कलर है ये। और एक यहाँ पर ये है मैरून, और ब्लैक लाइनिंग रहती है इसमें साइड में, कैमरे में ठीक से दिखा नहीं पाता हूँ, ये देखिए ये ब्लैक है और ये मैरून कलर है, ये देखिए एक ये कलर है, एक यहाँ पे भी देखिए ये
पूरा मेरा प्लांट ख़राब हो गया था, तो मैंने इसकी ब्रांच बची थी तो वो लाके इसमें लगा दी थी एक प्लांट के साथ, तो ये ग्रो हो गई। ये मेरा बड़ा वाला एक वो है जो मैं बड़े गमले में शिफ्ट कर देता हूँ, उनका कोडेक्स और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए इसका कोडेक्स भी और इसका कोडेक्स और इसका भी धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। इसमें रिपोर्ट करना है सबको फरवरी में। ये देखिए यहाँ पे सारे अडेनियम है, एक फ्लावर ये भी खिला हुआ है। देखिए ये कटिंग पे मैंने ग्राफ्ट किया था, ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है और यहाँ पे ग्राफ्ट किया था। देखिए इधर सारे अडेनियम है। ये अडेनियम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा जेट्रोफा प्लांट, और उसके साथ मैंने ये लगा दिया है ये देखिए चैन प्लांट, जो ख़राब हो गया था तो उसको कट करके मैंने यहाँ पे ऐसे ही लगा दिया है। इधर ड्रॉप वैरायटी वाले स्नेक प्लांट है, ये सब बड़े स्नेक प्लांट है। मेरे पास कुल 3 वैरायटी है स्नेक प्लांट की, और ये हमारा ट्रेसिना है और ये ट्रायंगल हार्ट। तो ये वाला है, इसकी सिंगल पत्ती में लेके आया था, इस सिंगल पत्ती से ग्रो किया है। इसका एक छोटा सा प्लांट लाया था और पत्तियाँ, तो उनसे मैंने देखिए 3 4 साल हो गए, कितने गमले 3 साल हुए होंगे, 3 या 4 आगे पीछे हो सकता है, इतना ही हुआ है, कितने ज़्यादा गमले हो गए। और यहाँ पे ये स्पाइडर प्लांट, यहाँ पे मनी प्लांट है, और ये यहाँ पे मैंने देखिए ये मैक्सिक अरे सॉरी पिटूनिया की कटिंग लगाई थी जो लग गई है मेरी। यहाँ पे स्पाइडर प्लांट है, ये पेंडाना पीछे की तरफ आगे पड़ा है, और ये मेरा जेड प्लांट है और ये आगे है। और यहाँ पे हैंगिंग बास्केट सब लटका के रखी है मैंने। ये देखिए ये चैन प्लांट है, ये देखिए एक चैन प्लांट मैंने यहाँ पे लटका के रखा है, ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे ट्रायंगल हार्ट है, और यहाँ पे और चैन प्लांट है। तो यहाँ से वो प्लांट मैंने निकाला था और उसकी साइड में मैंने ये इसका बेबी प्लांट निकला था वो साइड पे लगा दिया है। यहाँ मनी प्लांट की बास्केट है, यहाँ ट्रायंगल हार्ट, ये सब ट्रायंगल हार्ट है जो मैंने पूरा कट कर दिया था। उसके बाद देखिए इसकी फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ये मैंने जुगाड़ के झूमर बनाए हैं। और यहाँ पे है एलोवेरा हमारा, और एलोवेरा आप देख सकते हो कितना बड़ा हो गया है, और इसमें से फ्लावर स्टिक भी निकली है जो यहाँ पे अंदर फंसी हुई है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर लगाए हैं, ये देखिए इस तरह से मैं बड़ी बड़ी ग्रो बैग लेके आया था। ये मुझे लगभग 20 से 30 रुपए में पड़े, 30 रुपए में 6 ग्रो बैग आई थी, 30 रुपीज़ में 6 आई, तो मतलब 5 30 या 35 इतना ही हुआ है। तो मुझे ऐसे 6 ग्रो बैग मिली है, मुझे ठीक से याद नहीं है। यहाँ ये देखिए टमाटर, और वो मुझे 45 में पड़ी थी, 45 या 50 में, इस तरह से ये 6 ग्रे 6। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा नाग चंपा है, काफ़ी सारी कटिंग मैंने लगा के रखी, रिपोर्ट करना है। ये यहाँ पे है अजवाइन, अभी ठंड बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए ये हमारा मदर ऑफ थाउजेंड, यहाँ पे भी मदर ऑफ थाउजेंड है, और इस तरफ सारे अडेनियम आ जाते हैं। इस तरफ सारे अडेनियम है, सब पे सबको रेडी करना है ग्राफ्टिंग के लिए, तो सारे अडेनियम है। और ये वाइट कलर एक निकल के आया है, सब पिंक है उसमें से एक वाइट निकला है, देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर है। मेरे पास वाइट का एक था और एक दूसरा हो गया है, 2 प्लांट हो गए। हाँ ये देखिए, तो इस तरह से मेरा गार्डन दिख रहा है। तो आपको मेरा गार्डन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके फ्रेंड बाय।